अबे क्या हुआ, आज वीडियो शूट करना है या नहीं? आज मेरा आइटम का बर्थडे है, हम दोनों बाहर जाने वाले। हाँ, जो तेरा वीडियो ना वो खुद ही शूट कर रहे सेल्फी कैमरे से। चल मैं रखता हूँ, चल बाय। हाई क्वालिटी वीडियोस के लिए सभी न्यू क्रिएटर ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब यूट्यूब पे कॉम्पिटिशन बढ़ गया है और इसी रीजन की वजह से हमने भी नया फोन खरीदा है। लेकिन हमारा दोस्त कहता है कि सेल्फी कैमरे की मदद से वीडियो शूट करें। क्या दोस्तों सेल्फी कैमरा बैक कैमरे से अच्छा क्वालिटी वीडियो दे पाएगा? नहीं ना। लेकिन दोस्तों हमें किसी के ऊपर भी कभी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि बैक कैमरे की मदद से आप अकेले में अच्छा क्वालिटी वीडियो किस तरीके से शूट कर पाओगे। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालिसिस करना होगा। तो हमने सुबह सुबह बैक कैमरे के साथ अकेले में वीडियो शूट करने की कोशिश की है और उसमें हमने 16 टेक्स लिए हैं, लेकिन एक भी टेक हमने परफेक्टली कंप्लीट नहीं कर पाए। और वो टेक किस तरीके से शूट हुआ है वो आप यहाँ पे देखिए। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप वीडियो में देखिए, हमारा जो सिर है वो पूरा फ्रेम से बाहर जा चुका है और हम वीडियो के लिए जो बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो भी, हमारा जो हाथ है वो भी फ्रेम से पूरी तरीके से बाहर जा रहा है। यानी इसका मेजर रीज़न ये है कि कैमरा हमारे साइड में है और हमारा जो स्क्रीन है वो हमारे अपोजिट साइड में है। इसकी वजह से हम स्क्रीन के ऊपर क्या रिकॉर्ड हो रहा है वो एक्चुअल में हम देख नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे नए प्रोजेक्ट में मेजर फोकस ये होगा कि हमारा जो स्क्रीन है वो मुझे दिखना चाहिए, वो भी जब हमारा कैमरा हमारे साइड में हो। ये कैसे पॉसिबल है बताओ? नहीं। तो ये पॉसिबल है मिरर की मदद से, और हमें मिरर को कुछ इस तरीके से सेट करना होगा कि मिरर को स्क्रीन दिखना चाहिए और सेम टाइम पे हमें मिरर। तो यहाँ पे मैंने एक रफ स्केच को ड्रॉ किया है और ये हमारा इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन को रियल में लाना बहुत हार्ड है, लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारे पास है शकालाका बूम बूम यानी हमारा 3D प्रिंटर। तो चलिए 3D डिजाइन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हमारे मोबाइल होल्डर को डिज़ाइन करता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने इस पार्ट को एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि इसके आगे हमें मिरर को कनेक्ट करना है। अब मैं इस फाइल को हमारे 3D प्रिंटर में अपलोड करता हूँ। तो जब तक हमारा मोबाइल होल्डर प्रिंट होता है तब तक हम अगला पार्ट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पार्ट को मोबाइल होल्डर से ऊपर रखा है क्योंकि हमें मिरर क्लियरली दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल होल्डर का प्रिंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस पार्ट का भी प्रिंट स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों लास्ट फाइनली हमने ये जो मिरर होल्डर का पार्ट है इसे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है दोस्तों कि हमारा जो मिरर है वो एक्स वाई जेड तीनों एंगल में रोटेट कर सकता है और इस वजह से हमारा जो मोबाइल स्क्रीन है वो एडजस्ट हो सकता है। तो ये देखिए, तो हमने इसे कुछ इस तरीके से नहीं, तो हमने इसे भी 3D प्रिंट की मदद से ही प्रिंट किया है। तो यहाँ पे हमारे सारे पार्ट्स प्रिंट होके तैयार हो चुके हैं। अब हम इन सारे पार्ट्स को असेंबल करने वाले हैं, और असेंबल करने के लिए हमें और कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत है। वो मटेरियल क्या है आप यहाँ पे देखिए, साइकिल रिम वायर, और उसे कट करने के लिए कटर, शोल्डर गन, स्प्रिंग्स, नट बोल्ट्स। और इन नट बोल्ट्स का जो थ्रेड का साइज है वो एग्जैक्ट हमारे ट्राइपॉड का जो नट बोल्ट है उसके साथ मैच करना चाहिए, और ये मिरर। तो अब मैं यहाँ पे हमारा साइकिल रिम का वायर हमारे मोबाइल होल्डर के साइज को मैच करके इसे यहाँ पे कट कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैंने इसे कट करने के बाद थ्रेड के अपोजिट साइड पे शोल्डर गन की मदद से शोल्डर किया है। अब चलिए असेंबल स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे इस बोल्ट को इसके अंदर फिट करता हूँ। अब हमें ये जो हमने शोल्डर किए हुए वायर्स है साइकिल रिम वायर, तो इन्हें इसके अंदर हमें असेंबल करना है। तो यहाँ पे मैं इसे पूरी तरीके से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब हम इसके नीचे स्प्रिंग्स यूज करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो मोबाइल होल्डर है वो रिट्रैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसे स्क्रीन
स्प्रिंग्स के साथ असेंबल करता हूँ और इसे लॉक करने के लिए हम यहाँ पे रिम का ही लॉक नट यूज कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा अब ये मोबाइल होल्डर काम कर रहा है। यहाँ पे मैं इसे कुछ इस तरीके से असेंबल करता हूँ। अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसका जो ऊपर भी वाला हिस्सा है, हमें इसे भी कनेक्ट करना है। अब ये भी कनेक्ट हो चुका है। अब अगला हमारा जो पार्ट है, अब इसे मैं यहाँ पे कुछ इस एंगल में सेट करता हूँ ताकि हमारा जो मोबाइल है वो यहाँ पे उसका स्क्रीन दिख सके। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका जो रोटेशन है वो चेंज कर सकते हो। तो अब मैं इसे कुछ इस तरीके से असेंबल करता हूँ। अब यहाँ पे हमें इसके आगे मिरर कनेक्ट करना है। तो ये रहा हमारा मिरर। अब हम तैयार है, तो चलिए दोस्तों इसका ट्रायल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ नया इमेजिनेशन है या कुछ नए प्रॉब्लम्स आपके साथ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। हम आपको डिजाइन हो या 3D प्रिंट, दोनों आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो मैंने इसके लिए बुकिंग डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब पहला वीडियो में खुद शूट करने वाला हूँ अकेला, बिना किसी के मदद से। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इस वीडियो को मैं हमारे उस कमीने दोस्त को शेयर करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।